पाकिस्तान में जंगल का कानून है, तमाम चोर ऊपर आकर बैठ गए, बारी बारी करप्शन मुकदमात खत्म हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वकला कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा बतौर वजीर आजम बेबस था, नैब केस मेच्योर थे मगर नैब को पीछे से इजाजत नहीं मिलती थी। बाजवा साहब फैसले करते थे किसको अंदर करना है और किसको बाहर रखना है। जंगल का कानून हुआ है पाकिस्तान, करप्शन के स्टालवर्ट्स थे वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि करप्ट ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए। प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है, कि वो कौन सी एक चीज है जो मुल्क को इस जिस दलदल में हम धंसते जा रहे हैं इससे निकालेगा, वो है रूल ऑफ लॉ। जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई भी मुल्क, मैंने आज तक दुनिया में 70 साल की अपनी जिंदगी में किसी मुल्क को खुशहाल नहीं होते देखा कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले 7-8 महीने। लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया ये जो 7 महीने में पाकिस्तान से हुआ। जितना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की धज्जियां पिछले 8 महीने में उड़ाई गई हैं, ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है, हकीकी आजादी मार्च आज रवा। के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी, और हम कोई गुलाम हैं जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।